देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और अभी अभी हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखपाल से, जो वहां के सांसद सीपी जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं एसपी सुखपाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अकल्पनीय कार्य हुए हैं। कई लोग कई वर्षों से जिन योजनाओं का इंतजार कर रहा था, उन योजनाओं की स्वीकृति भी इन 5 वर्ष के कार्यकाल में मिली है। सबसे बड़ा काम इस चुनाव में मुद्दा होगा कि किस व्यक्ति ने और किस पार्टी ने इस भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, इस भारत का मान बढ़ा, इस भारत का वैभव बढ़ाया। पिछले कई वर्षों में जो भारत की घटती हुई साख पूरे विश्व मंच पर थी, आज उस भारत को विश्व मंच पर अग्रणी देशों में लाकर अगर किसी ने खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया। 5 वर्ष में रेलवे में कई अकल्पनीय कार्य हुए हैं, जिनकी वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे कि मावली से बड़ीसाड़ी रेलवे लाइन गेज कन्वर्जन कब होगा, बड़ी सादरी से नीमच न्यू रेल लाइन वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे कि ये योजना भी कभी स्वीकृत होगी क्या। राजस्थान में पिछले 17 वर्षों में 1 किलोमीटर नई रेलवे लाइन सेंक्शन हुई है, लेकिन चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन सेंक्शन हुई है। कई हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ है, अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर हो चाहे रतलाम से चित्तौड़ कोटा हो। इसके अलावा भी चित्तौड़ से नीमच जबलिंग का काम सेंक्शन हो गया, काम शुरू है, आधे से ज़्यादा काम हो गया। नीमच से रतलाम का काम भी स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गए हैं। इसके अलावा कई नई ट्रेनें इस संसदीय क्षेत्र के अंदर चली है, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे मैसूर हो, चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे कामाख्या देवी हो, ऐसी कई नई ट्रेनों का संचालन हुआ है। रेलवे स्टेशन पर हर रेलवे स्टेशन पर कोई कोई नई ट्रेन का स्टॉपेज भी हुआ है। हर रेलवे स्टेशन पर रेनोवेशन का प्लेटफॉर्म शेड या कोई कोई काम यात्री सुविधाओं को वहाँ हुआ है। सड़क यातायात में हम देखें तो 4 लेन से 6 लेन काम 6 लेन कराने का काम शुरू हो गया, जो लगभग 60% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है। नए नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुए हैं, केंद्रीय सड़क नीति की 7 सड़कें, पहले 5 वर्षों में खाली 1 सड़क थी, आज इन 5 वर्षों में 7 सड़कें भारत सरकार ने संसदीय क्षेत्र को दी है। प्रतापगढ़ में रिंग रोड दी है, ग्रामीण सड़कें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर थी, हर पंचायत समिति हर तहसील में 14 किलोमीटर सेंक्शन हुई है, वो काम लगभग आज पूरे हो गए हैं। इसके अलावा हम सिविल एविएशन में देखें तो डबो का एयरपोर्ट चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में आता है, मैं एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। हमने चुनिंदा जयपुर और दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट चलती थी, लेकिन आज चेन्नई भी जाती है, हैदराबाद भी जाती है, बेंगलुरु भी जाती है, भोपाल भी जाती है, इंदौर भी जाती है, सूरत भी जाती है, अहमदाबाद भी जाती है, आज जैसलमेर भी जाती है, जोधपुर भी जाती है, जयपुर भी जाती है, आज वाराणसी भी जाती है, पुणे भी जाती है। देश के हर कोने में जाने के लिए फ्लाइट हैं हमारे उपलब्ध हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्दी इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने का हमारा प्रयास है, बहुत जल्दी काम पूरा होगा। हमारी ऐतिहासिक दरों को संरक्षित करने का काम चित्तौड़ दुर्ग पर, पहले 5 वर्ष में मात्र 2 करोड़ रुपये इस रोड के डेवलपमेंट के लिए आए थे, 5 वर्षों में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य सेंक्शन हो गया, चल रहा है। इसके अलावा TSP एरिया में हमारे ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी युवाओं को, ग्रामीणों को सुविधाएँ देने के लिए, चाहे छोटसाड़ी तहसील हो, चाहे बड़साड़ी तहसील की कुछ पंचायतें हों, चाहे विंटर और मावली पंचायत समिति की कुछ पंचायतें हों, चाहे ग्रामीण पंचायत समिति हों, इनको TSP क्षेत्र में शामिल किया गया है। प्रतापगढ़ में हमारी रिंग रोड सेंक्शन हो गई और उसका लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया। वल्लभ नगर में नया कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, छोटसाड़ी में जवाहर नवोदय विद्यालय काम शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ में हमारा केंद्रीय विद्यालय शुरू हो गया, ऋषि सत्र भी शुरू हो जाएगा। देश का पहला संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ होगा, जिसमें उदयपुर में भी पासपोर्ट ऑफिस है, चित्तौड़ में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है, और प्रतापगढ़ में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है, देश का पहला एक बात होगा। इसके अलावा अपने इतिहास को चिरस्थायी करने के लिए महाराणा प्रताप का स्थायी डाक टिकट जारी करा है, झाला मन्ना का डाक टिकट जारी करा है,
एक ट्रेन का नामकरण वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के नाम से कराया है। किसानों को फसल खराबे का पैसा दिलाने के लिए हमने दिल्ली सरकार से मांग की थी, दो दो बार भारत सरकार की टीम आई है और करोड़ों रुपए लगभग 650-700 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को मिला है और पीएम के लाइसेंस हजारों की संख्या में संसदीय क्षेत्र को मिले हैं। कई ऐसे काम जिसकी आप और कल्पना नहीं कर सकते वो काम भी इस सरकार में हुए हैं। तो आने वाला समय निश्चित रूप से हमने कई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी खोले हैं, अमृत योजना में कई शहरी क्षेत्र में कई डेवलपमेंट के काम हुए हैं, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी चाहे हॉस्पिटल हो चाहे अन्य कामों में कई काम हुए हैं। तो आने वाले समय में और भी काम होंगे, ये मैं आपको विश्वास। जैसा कि सही राम को सही जगह भेजा और आज एक दूसरा सही राम और शहीद हुआ। देखिए किसी भी मामले में भ्रष्टाचारी का अंत बुरा होता है और मैं हमेशा से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा हमने मुहिम छेड़ी है। ये पहला सांसद होगा जो नार्कोटिक्स ऑफिस में जाकर किसानों के सामने और मीडिया के सामने कहता है किसी बेईमान को पैसा देने की जरूरत नहीं है और जो भी बेईमानी किसानों के साथ करेगा वो बहुत बुरी मौत मारेगा और उसका सिलसिला शुरू हो गया है। जो गलत काम करेगा निश्चित रूप से वो मरेगा। हमने पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन डिक्लेरेशन शुरू किया, पहले सिर्फ खाता बही में चलता था, अब हमने ऑनलाइन पट्टे जारी, कोई भी सेंक्शन हो जाता तो अपने मोबाइल पर घर पे बैठ सकता है कि मैं पात्र हूँ कि नहीं। जैसा कि मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना का जो एक बेड़ा उठाया है उसमें तीसरी किस्त कब तक हो जाएगी? उसमें देखिए एक वर्ष में 3 किस्तें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आगे सेकंड जाने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में लगभग 50-55 लाख किसान इसमें पात्रता में आते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मात्र 1.25 लाख किसानों की सूची दिल्ली सरकार को भेजी है। उनको लगता है कि कहीं किसान के खाते में पैसा जाएगा तो किसान मोदी जी की जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद के नारे लगाएगा, इसलिए जानबूझकर इस प्रकार की ओसी राजनीति कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। जो पात्र व्यक्ति है उनके उनके पैसे में उनके खजाने में उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। मैं उनको नसीहत देता हूँ अगर वो इस प्रकार की हरकत करेंगे तो निश्चित रूप से वो किसान आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल की स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के साथ में जो डिस्क्रिप्शन बेल आइकन भी है उसे भी दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ इलेक्शन न्यूज से भी रह सकें अपडेट।